नमस्कार दोस्तों, हम सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एनएचपीसी के बारे में, सरकारी कंपनी। इसमें देखिए, शुक्रवार दिन ना पुल बैक मार के ना एक पास से अपसाइड जाकर क्लोजिंग दिया मतलब। और ये जो आपको गिरावट देखने को मिल रहा है, जैसे यहाँ पे हायर है, पैटर्न बना के अपसाइड जा रहा था, गिरावट कारण क्या रहा तो निफ्टी रहा। तो अभी मैं बताना ये चाहता हूँ कि देखिये, निफ्टी जो है 5 दिन तक गिरावट रही, इसमें भी थोड़ा दिन तक हमको गिरावट देखने को मिला। साथ साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इलेक्शन जो है ना, इलेक्शन की वजह से थोड़ा स्टेटमेंट की वजह से एक तरह से हमको ना डाउन साइड आने पड़ा, मगर ना नीचे से फंडामेंटल टेक्निकल के हिसाब से ये अपने आप को मजबूत स्ट्रांग बना लिया है बराबर, और हायर हायर बनाते हुए अपसाइड जा रहा है। तो ये जो गिरावट हुआ एक मौका था। जी हाँ दोस्तों, एक तरह ऐसा मौका मिला जो कि डिस्काउंट सस्ते में आपको शेयर्स मिले। जैसे यहाँ पे 100 रुपये तो इसने टच कर दिया था, 102 रुपये तक का, फिर आया 94 रुपये। तो एक मौका था, जो खरीदारी कर सकता था वो कर लिया होगा। और अभी जो है ना, अच्छा खासा मूव हमको अपसाइड देखने को मिल सकती है। सपोर्ट लेवल 87 का है और आगे का टारगेट जो रहेगा ना 108 का, जो एक ऑल टाइम हाई एक रेजिस्टेंस एरिया बना हुआ है। उसके बाद में जो है 125 रुपये तक का हमको देखने को मिल सकती है। सपोर्ट लेवल जो है 87 तक का रखा गया है, सिर्फ इसलिए कि इलेक्शन की वजह से, इलेक्शन के दौरान ना कोई भी स्टेटमेंट कोई भी दे देता पॉलिटिकल पार्टीज, फिर हमें ना शेयर बाजार में प्रभाव हुआ था। जैसे कि एक तरह से इसमें भी देखने को मतलब 5 दिन तक गिरावट आया बराबर। तो ये एक मौका है, खरीदारी हो जाए तो अच्छी बात है, फिर अच्छा मूव हमको अपसाइड देखने को मिल सकती है। पहला टारगेट 108, दूसरा टारगेट 124 तक का मिल सकता है। बाय सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। चैनल पर परिवार तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब करना। जय हिंद।